ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते पत्थर, भूस्खलन और सर्दियों में होने वाली बर्फबारी के बाद आने वाले खतरनाक एवलांच और ऊंचे पहाड़ों से बहते हुए नाले से हो रहे पानी के रिसाव के चलते अटल टनल रोहतांग को बहुत सारी चुनौतियां पिछले 3 सालों में झेलनी पड़ रही है। ऐसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस समस्या के निपटारे को लेकर क्या कुछ काम कर रहा है, उस पर हमारी टीम एक खास रिपोर्ट तैयार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आज हमारी टीम आपको बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल अटल टनल रोहतांग के आसपास के इलाकों पर लेकर चलेगी। वहां पर इन चुनौतियों से किस तरीके से भविष्य में पार पाया जाएगा, उस पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से काम कर रही है, उस पर हमारी टीम ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। हमारी इस खास कवरेज में हम अपने सबसे पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जो कि पिछले कुछ सालों में चुनौती जो है वो दे रहा है ये पोर्शन। इस वक्त हम लोग टनल के भीतर हैं और लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस को कवर करने के बाद जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर इस पोर्शन को दिखाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये सेरी नाला का सेक्शन आता है और सेरी नाला जो है वो कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इंजीनियर्स के लिए चुनौती पैदा करता रहा है और इसके बनने के बाद जब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसके बाद भी चुनौती जो है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि फिलहाल इस वक्त स्थिति जो है यहाँ पर सामान्य है, लेकिन अमूमन दिनों में अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो सेरी नाला का पानी है वो सीपेज यहाँ पर लगातार रहता है और 60 लीटर से लेकर 100 लीटर पर सेकंड की लीकेज जो है उस सेरी नाला के पानी की यहाँ पर रहती है। हालांकि अभी जो है यहाँ पर उसकी किस तरीके से जो है इस पूरे चैलेंज को टैकल किया जा रहा है उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोजेक्ट योजक के चीफ इंजीनियर विकास हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये सेरी नाला जो पोर्शन है वो कंस्ट्रक्शन के दौरान भी चैलेंज पैदा करता रहा है, इसी की वजह से प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल डिलेड हुआ क्योंकि बहुत चुनौतियाँ थी। 100 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी जो है यहाँ से रिसाव उसका हो रहा था, अब भी जो है चैलेंजेस बरकरार हैं। क्या कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंजीनियर्स और अब इसको टैकल क्या कैसे किया जाएगा? अभी अगर आप इस पूरे टनल में ट्रैवल करके देखेंगे तो सिर्फ एक पैच है 500 से 700 मीटर का जहाँ पे नॉर्मली पानी का इंग्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हालांकि पूरी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को इसके अंदर में यूज़ किया गया है बनाते हुए, हर प्रिकॉशन को यूज़ किया गया है, लेकिन कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन के दौरान बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती है और जो थोड़ी बहुत इसमें सीपेज आ रही है इसके लिए एडिशनल वर्क प्लान किया गया है। दोनों साइड में अंदर में अगर देखें तो एक छोटी ड्रेन है जिसके अंदर से पानी बाहर जाता है और ये जो कैरेज वे है इसके नीचे में एक अपना ड्रेनेज टनल बनाई गई है जिसके अंदर सारा पानी डाइवर्ट होता है। क्योंकि कई बार जैसे इस बार देखा गया हिमाचल के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उसकी वजह से सीपेज में थोड़ा सा ज़्यादा सीपेज हो गया था जिसकी वजह से हमने जो साइड में ड्रेन था वो छोटा पड़ रहा था तो हमने उसके साइड्स को एलिवेट कर दिया और पूरे पानी को जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है उसके अंदर में डाइवर्ट किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम पहले पड़ाव पर पहुंचे हैं क्योंकि पानी की सीपेज जिस तरीके से इस टनल के लिए एक चुनौती बनी हुई है तो इस चुनौती को पार पाने के लिए जो है क्या प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो ज़मीन पर उतारे जाएंगे उसको भी देखना बेहद ज़रूरी है। अब हम आपको इस टनल के ऊपर पहाड़ी पर जो है वो लेकर चलेंगे और जहाँ पर सेरी नाला इस वक्त बह रहा है उस सेरी नाला पर क्या कुछ काम किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से जो ये 60 से लेकर 100 लीटर पर सेकंड की सीपेज जो है इस टनल के भीतर इस वक्त इस सेरी नाला के 600 मीटर के डिस्टेंस में हो रही है वो सीपेज पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, उसको किस तरीके से काम जो है इस परेशानी को दूर करने के लिए किया जा रहा है आइए वो दिखा देते हैं। जो है वो अब टनल से लगभग 800 मीटर ऊंचाई पर हैं और ठीक जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं यहां इसी स्थान के ठीक नीचे से अटल टनल रोहतांग गुजर रही है और इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये वो चुनौतीपूर्ण इलाका है क्योंकि इसी नाले का पानी जो है वो सीपेज होकर जो है टनल के भीतर पहुंच रहा है और सेरी नाला इस स्थान को कहा जाता है और
अभी फिलहाल इसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि पानी का कितना है। हालांकि बरसात के दिनों में जो है इस कई गुना पानी बढ़ जाता है और इस इलाके में कई बार बाढ़ की स्थिति भी बनती है। हालांकि इसी पानी के निपटारा जो है वो करने के लिए इस वक्त प्रोजेक्ट योजक के इंजीनियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और लगातार हम अपनी एक्सक्लूसिव कवरेज में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस सेरी नाला के पानी का जो सीपेज है उसको किस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैकल कर रहा है। इस पर हम लगातार जो है वो चीफ इंजीनियर के साथ बने हुए हैं प्रोजेक्ट योजक के, उनसे लगातार जानकारी ले रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से टनल के भीतर पानी जो है वो सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो इस चुनौती का निपटारा जो है वो ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से किया जा रहा है, अगले सवाल का जवाब जो है चीफ इंजीनियर से ले लेते हैं। सर, हम लगातार आपसे जानकारी ले रहे हैं, पहले हम टनल के भीतर थे, वहाँ की स्थिति हमने दिखाई, अब हम उस सेक्शन पर पहुँच चुके हैं जो पहली मर्तबा टीवी चैनल पर जो है वो दिखने जा रहा है, जी मीडिया पर सबसे पहले दिखने जा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम 10,800 फीट की ऊंचाई से दिखाने वाले हैं। सर, पानी कितनी बड़ी चुनौती बना और इस चुनौती को जो है पार लगाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन अब क्या है, पूरी जानकारी बताइए। जैसा कि आप नॉर्मल अमूमन तौर पे नॉर्मल सिविल एरिया में देखते हैं, सीपेज घर में भी आ सकती है। अगर इस पर्टिकुलर जगह पे देखा जाए 10,800 फीट के ऊपर में जो चैलेंज है, जैसा कि अभी आपने देखा पहाड़ी में कहाँ से सेरी नाला ओरिजिन हो रहा है और इसकी डायमेंशन अगर आप देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पानी ने कटाव किया हुआ है लगभग 50 से 100 मीटर की विड्थ है। और ये एक एरिया है जो नीचे जाते हुए लगातार टनल के ऊपर से क्रॉसओवर होता है। सो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखा गया है सीपेज बढ़ रही है, उस हिसाब से DGBR साहब ने इसका जायज़ा लिया और गवर्नमेंट ने भी टाइम टू टाइम इसके ऊपर प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते रहते हैं। डेली मॉनिटरिंग होती है कि किस दिन टनल खुली है या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक काम की यहाँ पे रेकी हुई जो राइट्स ने की और एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपना NHPC है विच इज़ बेस्ट ऑफ द PSUs इन द सेक्टर फॉर दिस, उसको कॉन्टैक्ट किया गया और उनको ऑनबोर्ड लेके इस काम की प्लानिंग स्टार्ट हुई। इस पूरे काम को अगर हम देखें तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के तहत में हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर में जो इसका रिवर बेड है, सेरी नाला का जो बेड है, इसके ऊपर में हम पूरा कॉन्क्रीट का एक 300 mm कॉन्क्रीट का एक लाइनिंग दे रहे हैं, जिसके ऊपर में 3 mm की फर्स्ट लेयर आएगी हमारी, 1 mm की जियो सिंथेटिक्स की जियो मेम्ब्रेन एंड देन अगेन द जियो टेक्सटाइल। तो बेसिकली ये कपड़े की तरह होगा, जो ये कॉन्क्रीट जो हम लगा रहे हैं कॉन्क्रीट लाइनिंग 300 mm की, इसके ऊपर में बिछाया जाएगा और ये पूरे को लाइनिंग करके और वो जो जियो मेम्ब्रेन लगाएंगे तो पूरा पानी इसके ऊपर से फ्लो होके जाया करेगा, जिससे मिनिमम सीपेज होगी। ये पूरा का पूरा लगभग यहाँ से 450 मीटर किया जाएगा और जो टनल जो क्रॉस कर रही है वो ये 500 मीटर का जो हम लाइनिंग दे रहे हैं इसके लगभग सेंटर से क्रॉस कर रही है, जिससे कि टनल जहाँ पे परपेंडिकुलर क्रॉस हो रही है इसे वहाँ से लगभग 200-250 मीटर दोनों तरफ ये बेड लाइनिंग दी गई है ताकि मिनिमम सीपेज या मिनिमम परकोलेशन ऑफ वाटर ज़मीन के अंदर में जाए। और दिस इज पार्ट फेज़ वन। इसके अलावा जो टनल हमारी अलाइनमेंट है, टनल की अलाइनमेंट है, उस प्रॉपर टनल के अलाइनमेंट के ऊपर में एक ड्रेनेज टनल बनाई जा रही है लगभग 3-3.5 मीटर चौड़ी होगी, जो जिसके अंदर से कोई पानी अगर जो थोड़ा बहुत परकोलेट हो गया अंदर चला भी जाएगा या जो एक्वीफर्स में स्टोरेज भी होगा वो पूरा का पूरा पानी उस टनल के थ्रू क्रॉस ओवर होगा। जो हमारी टनल है, एक ड्रेनेज टनल है और एक अटल टनल है, तो जो ड्रेनेज टनल है वो लगभग अटल टनल से 300 मीटर के और बटन के ऊपर रहेगी, तो पूरा जो पानी होगा वो पूरा का पूरा उसके अंदर में ड्रेनेज टनल में जाएगा और वो टनल से लगभग 300 मीटर दूर ले जाएंगे। वहाँ पे एक हम वियर बना रहे हैं जिसके अंदर में पूरा का पूरा पानी स्टोरेज किया जाएगा, स्टोरेज के मतलब डाइवर्ट किया जाएगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वहाँ से ह्यूम पाइप लगा रहे हैं जो लगभग टनल से अगर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस देखेंगे 500 मीटर दूर जाके ब्यास नदी के अंदर में छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से टोटल पानी सीपेज जो प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं ये पूरी की पूरी बंद हो जाएगी। सर, आपने काफ़ी डिटेल जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को इस मामले पर दी है। जिस स्थान पर हम इस वक्त खड़े हैं ये 10,800 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर है, सर्दियों के दौरान जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है, इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। पानी का वॉल्यूम जो है वो बरसात के दिनों में लगातार बढ़ता जाता है, इस साल की बरसात ने जो है वो कितना परेशान किया सर? एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है ये इनएक्सेसिबल एरिया है। इनिशियली जब हम यहाँ पे आए हैं तो कोई रोड वोड एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि ये हैबिटेशन से भी दूर है, तो सबसे पहले तो यहाँ जितना रेकी हुआ वो जितने बिहारों के कर्मयोगी हैं काफ़ी मेहनत करके उन्होंने यहाँ पे आके
देखा कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसको टैकल करना है। तो पहले तो पैदल यहाँ पे आए, और एक और जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, जैसे कि हाइट आप देख रहे हैं 10,800, तो यहाँ पे वर्किंग सीजन भी बहुत लिमिटेड हमें मिलता है। सिर्फ साल में 3 या 4 महीने ऐसे मिलते हैं जो हमें क्लियर काम करने के लिए मिलते हैं, और इस साल में अगर देखा जाए तो इतना हैवी रेनफॉल था जिसकी वजह से आपने देखा काफ़ी मनाली तरफ आने वाली सड़कें भी कट गई थी। तो पानी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पानी आ रहा था, जिसकी वजह से हमें जो वर्किंग सीज़न, जैसे मैं बता रहा हूँ, और कम वर्किंग सीज़न हमें मिल पाया, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले साल सितंबर 2024 तक हम इस पूरे काम को पूरा कर दें और टनल के अंदर में 0 सीपेज हो जाए, और ये पूरा का पूरा पानी जो है एक तरीके से सही तरीके से डाइवर्ट करके ब्यास नदी में छोड़ा जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगातार जो है वो सेरी नाला इस प्रोजेक्ट योजक के लिए और अटल टनल रोहतांग के लिए चुनौती जो है दे रहा है, और इस चुनौती को कैसे दूर किया जा रहा है उसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। यहाँ तक जो है वो अमूमन लोगों को आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उस पर किसी तरीके का खलल ना हो। फिलहाल यहाँ पर मौजूदा तस्वीर क्या है वो आप देख ही सकते हैं, बेहद खूबसूरत ये इलाका है, पहाड़ों से जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ये इलाका घिरा हुआ है। हालांकि सर्दियों में जो है यहाँ पर 5 से 10 फीट बर्फबारी होती है, और उसके बाद ये इलाका जो है वो नॉट रिचेबल जो है हो जाता है, लेकिन चुनौतियाँ काफ़ी है। साल में जो है कुछ महीने काम करने के लिए मिलते हैं, और ऐसे में बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए इस वक्त प्रोजेक्ट योजक जो है इस पूरे इलाके को जो है वो अब कंस्ट्रक्ट कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, ताकि आने वाले समय में इस सेरी नाला का पानी जो है वो टनल को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरी एक लोकेशन जो है वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है इस सीपेज के लिहाज से, आइए वो आपको दिखा देते हैं। जिस तरीके से जो है यहाँ पर टनल के काम की शुरुआत हो चुकी है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सेरी नाला जो है उसका पानी लगातार जो है इस पहाड़ों से होते हुए अटल टनल के कुछ हिस्से तक जो है लगातार बह रहा है, और पिछले कुछ सालों से लगातार परेशानी जो है वो पैदा कर रहा है इंजीनियर्स के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट योजक ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है, और इस पर जो है वो अब काम शुरू हो चुका है। जिस तरीके से इस टनल को देख सकते हैं कि इसका जो है वो एक्सक्वेशन का काम चल रहा है, और ये टनल जो है अब इस सीपेज में काफी मदद करने वाली है, क्योंकि ठीक अटल टनल के ऊपर से होते हुए ये टनल जो है गुजरेगी, और जो भी वाटर लीकेज है, सीपेज है, इस टनल के भीतर जो है उसका पानी जो है इसी टनल से होते हुए बाहर निकाला जाएगा। और यही दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है अटल टनल रोहतांग के भीतर पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश कैसे की जा रही है। चैलेंज जो है इस टनल के भीतर पिछले 3 सालों में देखा गया है, जिस तरीके से लगातार जो है वो डीजल हो या पेट्रोल की गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो जाहिर तौर पर इस टनल के भीतर स्मॉग पैदा करता है, और इस टनल की अगर दीवारों की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, अगर साफ तौर पर देखें एक लेयर पैदा करता है। तो जाहिर तौर पर इस चैलेंज से निपटने के लिए भी जो है वो कुछ प्लान्स किए गए हैं, उस पर पूछ लेते हैं चीफ इंजीनियर से। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 3 सालों में ट्रैफिक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, धुआं जो गाड़ियों से निकलता है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो किस तरीके से इस समस्या को टैकल किया जा रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इस टनल के अंदर में मैंने आपको बताया कि अमूमन तौर पर 10,000 गाड़ियाँ डेली क्रॉस होती हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टनल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए टनल का पेंटिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर फायर रिटार्डेंट पेंट इसके अंदर में यूज़ किया जा रहा है, और ये पेंट इपॉक्सी बेस्ड है। तो कहीं पे भी जहाँ थोड़ा बहुत सीपेज था या सीलन जहाँ पे आ रही थी, इस इपॉक्सी बेस्ड पेंट के बाद में वो नहीं आएगी। और जब ये काम ख़त्म होगा, आने वाले टाइम में प्लान ऐसे है कि दीवारों के अंदर में यहाँ के लोकल कल्चर को दिखाने के लिए कुछ पेंटिंग्स भी बनाई जा रही हैं, जिसमें हिमाचल को हाईलाइट किया जाएगा और लाहौल स्पीति के पेंटिंग्स को भी हाईलाइट किया जाएगा।
सर, दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसके वेंटिलेशन सिस्टम जो हैं वो काफ़ी एडवांस हैं। जाहिर तौर पर उनके अलावा जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो इस पर एक पॉल्यूशन लेयर बनाता जा रहा है, तो ये जो पेंटिंग का प्लान किया गया है इससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है और कितने सालों तक जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा? ये जो एक्चुअली जब ये टनल प्लानिंग में आई थी और जब तक ये बन के ख़त्म हुई, ये टनल का प्लान था कि डेली 3000 व्हीकल्स का लोड लेने के लिए, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 10,000 गाड़ियाँ डेली क्रॉस हो रही हैं, तो इट इज़ 3 to 4 times। तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन होने की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स और कार्बन पार्टिकल्स की वजह से दीवारों पे जम जा रहे थे, उसकी वजह से इल्यूमिनेशन पूरा नहीं हो पा रहा था। दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न कि हम इसको कर रहे हैं। अभी जो इसके ऊपर में आप देखेंगे और दीवार पर डस्ट को नॉर्मल अगर इसको झाड़ेंगे भी तो इट इज़ गेटिंग रिमूव्ड ईजीली। इससे दूसरी तरीके से जो है जो लीकेज या सीपेज है उस पर भी ये वाटर प्रोटेक्शन का काम करेगा दीवार? हाँ जी, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इपॉक्सी बेस्ड पेंट स्पेशली मंगाया जा रहा है जिससे कर रहे हैं हम, और जो भी सीलन या इसके अंदर में थी ये उसको भी कवर करके रखेगा। और ये जो पेंट का काम है इसकी ऑलमोस्ट 10 साल की वारंटी में रहेगा। ये जहाँ से भी कहीं थोड़ा बहुत ख़राब होगा तो कंपनी आके इसको डायरेक्टली ठीक करेगी दोबारा से। किलोमीटर के डिस्टेंस में कई सारे ऐसे एवलांच प्रॉन एरिया हैं, जब बर्फबारी यहाँ पर होती है तो लगातार जो है यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए एवलांच खतरा बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है यहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग के मॉडल्स जो हैं प्लांट किए गए हैं। मैं एक ऐसे ही एवलांच प्रॉन एरिया पे जो खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स लगाए गए हैं, इसे स्नो एरोडॉक्स कहा जाता है। पिछले 2 सालों में जो है इन स्नो एरोडॉक्स की वजह से यहाँ पर जो है एवलांचेस जो ट्रिगर हुआ करते थे उसमें कमी आई है। जानकारी जो है फर्दर जानकारी चीफ इंजीनियर से ले लेते हैं। सर, ट्रायल के तौर पर जो है इन स्नो एरोडॉक्स को लगभग 2 साल पहले इंस्टॉल करना शुरू किया गया था, 2 साल की बर्फबारी में जो है वो कितने मददगार साबित हुए हैं? मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, बीआरओ एक देश की बहुत ही प्रीमियम कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जिसके अंदर में हमारे डीजी साहब, सीनियर ऑफिसर्स जितने भी हैं वो टाइम टाइम पे रिव्यू करते रहते हैं कि क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और क्या लेटेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जो उसके मिटिगेशन के लिए हेल्प कर सकती हैं हमें। फॉर दिस मैटर ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है जिसको अभी इंडिया में पेटेंट करके लाया गया है, स्नो एरोडॉक्स बोलते हैं इसको। पिछले साल काफ़ी भारी बर्फबारी में देखा गया और ये हम इन कोऑर्डिनेशन विद सासे जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो आके हमें रिकमेंड करते हैं कि कितने लेयर्स में इसको लगाना है, एंड दिस वॉज वेरी वेरी इफेक्टिव इन लास्ट विंटर्स। There was no avalanche in the entire area, and especially Atal Tunnel being a very strategic project. तो Atal Tunnel को से एक हमें connectivity मिल रही है Lahul Spiti के लिए और ले जाने के लिए, तो उतना important हो गया कि हम इस रास्ते को approach road जो है Atal Tunnel इसको हमेशा खोल के रखें। तो क्योंकि जैसे आपको दिखाई दे रहा है background में जो slope है ये 70 to 80 degrees का है, एंड इट इज़ वेरी वेरी avalanche prone। एक avalanche आने से पूरा connectivity Atal Tunnel की ख़त्म हो सकती है, तो इसीलिए जगह जगह पे 7 या 8 जगह पे ये एरोडॉक्स का टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था। इसके अलावा स्नो गैलरीज भी बनाई गई हैं और काफ़ी सारे मिटिगेशन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रही और आईटी की टीम्स को बुला के और जो भी प्रीमियम एजेंसीज हैं स्टडी कर रही हैं उन सबको बुला बुला के टाइम टू टाइम एडवाइस ली जाती है और उस को प्रैक्टिकली ग्राउंड पर ला के इम्प्लीमेंट बॉर्डर रोड करती है उसको। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस अटल टनल रोहतांग तक पहुँचने वाले जो ये सड़क है वो किस तरीके से सुरक्षित हो, चाहे वो बर्फबारी के दौरान हो या फिर बारिशों के दौरान हो या फिर कोई भी आपात की स्थिति में जिस तरीके से यहाँ पर चुनौतियाँ बनी रहती हैं, तो जाहिर तौर पर ये स्नो एरोडॉक्स लाइफलाइन की तरह जो है इस सड़क पर काम कर रहे हैं। एक और भी चुनौती जो है वो पिछले कई सालों से इस सड़क के लिए सबसे ज़्यादा जो है परेशानी का जो है सामना करवाती है लोगों के लिए, वो है गिरते पहाड़। और दूसरी तरफ जिस तरीके से भूस्खलन जो है वो सड़कों को यातायात के लिए बाधित करते हैं, तो ऐसी चुनौती से किस तरीके से निपटा यहाँ पर जा रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। खास कवरेज में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे पानी की समस्या से जो है वो निपटारा मिलेगा और दूसरी तरफ बर्फबारी के बाद एवलांच
जिस तरीके से इस मार्ग पर चुनौती बने हुए हैं, तो एवलांच से निपटने के लिए जमीन पर क्या कुछ किया गया है, अब हम अपने इस जो है वो स्पेशल रिपोर्ट के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य होने के नाते जिस तरीके से सड़कों का निर्माण कार्य जो है यहाँ की तमाम एरिया को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, तो पहाड़ काट कर जो है वो सड़क बनानी पड़ती है। और जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पहाड़ी को काट कर सड़क का निर्माण कार्य किया गया है, और ये बेहद महत्वपूर्ण हाईवे है क्योंकि यही हाईवे जो है वो अटल टनल को मनाली से जोड़ता है और यही रास्ता जो है वो लेह लद्दाख तक पहुंचता है। और जाहिर तौर पर जिसका इस्तेमाल लाहौल स्पीति के लोग तो कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर बात करें तो यूटी लद्दाख को कनेक्ट करने में ये हाईवे काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखता है। सेना की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में लगातार जिस तरीके से सड़कों का जाल हिमाचल प्रदेश में बिछता जा रहा है, तो ऐसे में पहाड़ों पर जिस तरीके से जो है एक्सक्वेशन की गई है, पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई गई है, तो लगातार जो है ये भूस्खलन जो है वो हाईवे को बाधित करता रहा है और कई सारे लोगों की जान जो है वो भूस्खलन की चपेट में आने से होती रही है। तो ऐसे में ये काफ़ी गंभीर समस्या है। लेकिन सोलंग वैली से अटल टनल रोहतांग तक पहुंचने वाले 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में कई सारे ऐसे ओपन हेडेड प्लेसेस हैं जहां पर पहाड़ गिर रहे हैं और भूस्खलन जो है वो यातायात को बाधित करते हैं। लेकिन इस समस्या से हल पाने के लिए यहां पर काम जो है वो अब शुरू हो चुका है। काम क्या हो रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से जो है वो मल्टी लेयर यहाँ पर जो है लेयरिंग की जा रही है ताकि जो ये वर्टिकल एरिया है यहाँ से चट्टान जो है सड़क पर ना गिरे और यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए जो है वो उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। अब आखिरी कुछ सवालों का जवाब जो है वो चीफ इंजीनियर से ले लेते हैं। विकास सर, हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं और जिस तरीके से आपने समय दिया, पूरी डिटेल जो है हमने आपसे जानने की कोशिश की, किस तरीके से पानी हो या फिर स्नो हो, एवलांचेज हो, उनसे किससे निपटा जा रहा है। आखिरी जो है काफ़ी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पहाड़ काटकर जिस तरीके से सड़क बनाई गई है, तो बहुत सारे ऐसे ओपन हेडेड प्लेसेस हैं जो आए दिन भूस्खलन का कारण बन रहे हैं, गिरती चट्टाने जो हैं लोगों की जान जो है उनमें जा सकती है, तो ऐसे में उस खतरे से निपटने के लिए क्या काम एग्जीक्यूट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एज ए ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तत्पर रहता है। ये उसी का एक एग्जांपल है जिसके अंदर में हम लोगों ने जो भी फ्रेश कट एरियाज होते हैं वहाँ पे हमेशा भूस्खलन का और शूटिंग स्टोन्स का एक खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। और स्पेशली इन द रेनिंग सीजन, जैसे ही बारिश इसके अंदर पड़ती है और अगर रॉकी स्ट्रेटा नहीं है, अगर इट इज़ ए मिक्स ऑफ अपना मिट्टी और पत्थर का मिक्स रहता है, तो पानी को बारिश का जैसे पानी आता है वो उसको एब्जॉर्ब करता रहता है और जैसे ही वो सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है तो जो एक पकड़ नेचुरल पकड़ होती है मिट्टी और पत्थर के बीच में वो उसको छोड़ देता है और उसी की वजह से जितने लैंडस्लाइड है वो आते हैं। और इतनी स्ट्रेटेजिक रोड को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी बंद करना, तो इसके डील करने के लिए हम लोगों ने ये स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम पूरा करने के लिए इसके अंदर में हमने वायर मैश नेट जो है उसको बिछाया गया है, उसका रॉक बोल्टिंग की गई है और उसके बाद में सीमेंट स्प्रे और कंक्रीट की एक लेयर लगाई गई है, जिसकी वजह से जब भी बारिश होगी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी इसके अंदर में जाएगा नहीं, तो एक नेचुरल इसके अंदर में होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी। और जो ये रॉक बोल्टिंग की है, जो आपको बोल्ट से बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर तक अंदर इनको एंकर किया गया प्रॉपर टाइप। तो यानी ये समझा जाए सर कि जो अटल टनल रोहतांग तक की अप्रोच सड़क है, इसमें कई सारे ऐसे स्पॉट आते हैं जो इसी तरीके से खतरनाक थे, अब ये खतरनाक नहीं है, तो आने वाले समय में जो है भूस्खलन से भी कोई डर नहीं होगा लोगों को जब यहाँ से गुजरेंगे। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि क्योंकि जब भी बारिश होगी इसके अंदर में पानी जाएगा ही नहीं, तो लैंडस्लाइड का खतरा और शूटिंग स्टोन का खतरा बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगा। और स्पेशली जितने भी आगे ऐसे ओपन स्ट्रेचेस हैं उधर पे भी अभी रेकी चल रही है और आने वाले सीजन में उन सब एरिया पे भी ऐसे ही जहाँ जहाँ जरूरत है ये स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम किया जाएगा, जिसकी वजह से यातायात और कोई भी टूरिस्ट हो या स्ट्रेटेजिक कॉन्वे कोई भी है तो वो सुरक्षित तरीके से यहाँ से क्रॉस कर सकेंगे। सर, आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से हम लगातार अपनी खास कवरेज में बता रहे हैं कि कैसे जो है वो गिरते पहाड़ हों, भूस्खलन हो, एवलांचेस हो और पानी है, वो प्रोजेक्ट योजक के लिए जो है काफ़ी चुनौती देता रहा है, पर अब भविष्य में ये चुनौती नहीं दे पाएगा।
देखिए नेचर को तो फाइट बैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी चैलेंजेस हमें सामने आते हैं उसके लिए जो भी न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है उसको हम उसी समय पर ग्राउंड पर ला के एट अर्लीस्ट उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और आने वाले समय जितने भी अभी तक यहाँ पर जो भी चैलेंजेस हैं वो लगभग सारे एड्रेस कर दिए गए हैं। आने वाले टाइम में अगर कोई न्यू चैलेंज सामने आता है तो उसको अकॉर्डिंगली इमीडिएट बेसिस पे डील किया जाएगा। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रोजेक्ट योजक के चीफ इंजीनियर विकास, जिनसे हम लगातार अपनी इस खास रिपोर्ट में हर वो सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे जो कि हमारी इस खास कवरेज से जुड़ा है। क्योंकि आप भी इस अटल टनल रोहतांग का दीदार करने जरूर पहुंचे होंगे या प्लान कर रहे होंगे, तो जाहिर तौर पर कई सारे ऐसे सवाल हैं जो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सामने आते हैं, जिनमें ये तमाम बातें आती हैं। जाहिर तौर पर यही दिखाने की कोशिश हमने की है अपनी इस खास रिपोर्ट में, इसलिए हमारी टीम जो है वो आज एक ऐसे सफर पर निकली थी जिसमें हमने आपको 10,800 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक जो है आपको लेकर गए। खूबसूरत वादियों के बीच जो है वो किस तरीके से प्रोटेक्शन वर्क जो है वो हर एक एरिया को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है उसकी जमीनी हकीकत बताई। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली।